हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप कमज़ोर दिल के हो तो प्लीज़ इस स्टोरी को मत सुनना, क्योंकि क्या पता ये आपके दिमाग में क्या असर कर जाए। मैं अपनी मौसी के घर पे गई थी, मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट थी, तो मैं उसके लिए गई थी। और मतलब रात में लाइट चली गई थी, तो मैं मौसी लोग मेरी बाहर सोती थी और आंगन में छत पे ही, मतलब डबल स्टोरी घर था तो रूम था, उसके बाद बैल्कनी थी, तो वहाँ पे वो लोग, बड़ी बैल्कनी थी तो वहाँ पे वो लोग खाट बिछा के सो जाते थे। तो मैं अपने सिस्टर के साथ रूम में सोती थी, तो लाइट चली गई तो मैं बाहर आ गई क्योंकि गर्मी लग रही थी। तो मैं जैसे ही आई बाहर और मौसी वहाँ पे लेटी हुई थी और उनके जस्ट बाजू में मैं आके लेटी ऐसे, और जैसे मेरा सर ऐसे हुआ, मैं तब सो भी नहीं रही थी, बिल्कुल भी नींद में नहीं थी, क्योंकि तो मैंने ऐसे देखा तो वहाँ पे कोई लेडी वाइट कलर की साड़ी पहन के खड़ी हुई थी। और इसमें बिल्कुल भी झूठ नहीं, ये बातें मैं अपने घर पे भी बहुत बार बता चुकी हूँ। तो वो, और वो मेरे से बोलती है कि तुम अकेली आई हो, वो नहीं है तुम्हारे साथ क्या? अब इस बात पे आप हंसोगे, मैं जिसको बोलती हूँ वो लोग समझते हैं कि मतलब वो किसको पूछ रही थी। अब पता नहीं, हो सकता है क्योंकि मैं अकेले गई थी, मेरी मम्मी नहीं गई थी, तो वो मेरी मम्मी को पूछ रही हो। एक्चुअली अब मुझे डर लगने लगा, सच बता रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मैं फील करने लगती हूँ उस चीज़ को। तो और जो ये जो आगे वाली बात है ना, वो बहुत ज़्यादा डरावनी है। और उस, मतलब मुझे इतना डर नहीं लगता था, लेकिन जब से वो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से मैं इतना डरने लगी हूँ कि मैं बता नहीं सकती आपको। मैं 2021 की बात है शायद, या 2020 की बात है, ठीक है। तो अगस्त का मंथ था, अपने मम्मी के घर पे थी मैं, और मैं मूवी देख रही थी, आयुष्मान खुराना की कोई मूवी थी वो मैं देख रही थी। मुझे एग्जैक्टली नेम याद नहीं है कि कौन सी मूवी थी, मैं वो मूवी देख रही थी। तो रात के 1:30 बज रहे थे, ठीक है। वो मूवी देख के मैं फिर सो गई, और उस टाइम पे क्या था कि बारिश का टाइम था, तो बहुत कीड़े आते हैं, इसलिए अब गाँव के घर हैं तो ऐसे दरवाजे रूम के बंद करके कोई नहीं सोता है, सब खुला रहता है। आंगन है, आंगन के बाद एक हॉल है, और उसके बाद हमारा रूम है। तो आंगन की भी लाइट बंद थी, हॉल की भी लाइट बंद थी, और मेरे रूम की भी लाइट बंद थी। उसके बाद मैं सो गई मूवी देख के। अचानक क्या होता है कि मैं सो गई, लेकिन अचानक 2:30 बजे, दो सवा दो का टाइम हो रहा था, और मेरी आँख खुलती है, जैसे मतलब ऐसे और ऐसे, जैसे कि मैं सो ही नहीं हूँ, बस मैं सोई थी ही नहीं, बस मैंने ऐसे आँख बंद करी है और ऐसे खोली है, ठीक है। मुझे सच बता रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं ये वीडियो रात में शूट कर रही हूँ, मैं उस बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस बारे में हम सोचते हैं और स्पेशली रात में सोचते हैं तो वो चीज़ हमसे कनेक्ट होने लगती है। और मुझे इसीलिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि कहीं फिर से वो चीज़ उसको पता ना चल जाए कि मैं यहाँ पे हूँ, या मेरे से कनेक्ट करने की। जय हनुमान जी, रक्षा कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आगे की स्टोरी आपको बताती हूँ क्या हुआ। तो मेरी आँख खुली, और चूँकि अंधेरा था, ठीक है, सब जगह अंधेरा था, तो रूम का गेट खुला हुआ था, तो वहाँ से ऐसे कोई गोल 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 ऐसे कुछ था वॉल टाइप का, बट वो बंद नहीं था, वो ऐसे वाइट कलर की तार, चमकीली तार हो ऐसे, उससे ऐसे ऐसे गोला बना हुआ था, बीच में खोखला था और चारों तरफ ऐसे वाइट कलर की तार थी, और इतना बड़ा था वो। और वो वहाँ से आता है और मैं उसको देख रही हूँ कि कोई अजीब सी चीज़ है जो आ रही है, मेरी आँख खुली है और मैं उसको देख रही हूँ कि कोई अजीब सी चीज़ है जो आ रही है, और मुझे बहुत डर लग रहा है यार,
वो चीज़ आ रही है, ठीक है। और जैसे ही मैंने देखा दरवाजे से, एकदम से एंटर करते हुए जैसे ही मैंने देखा, वैसे ही मेरे पास मम्मी सो रही थी, तो मैं उनको इतना तेज तेज चिल्ला रही थी, मम्मी मम्मी, बहुत तेज चिल्ला रही थी, पर मेरी मम्मी सुन ही नहीं रही थी। और मम्मी क्योंकि बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी, मैं इतना ज़्यादा तेज चिल्ला रही थी। फिर उसके बाद वो चीज़ धीरे 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 ऐसे आ रही थी, और एक्चुअली विंडो है ना, ये तो ना मेरी नज़र ना बार बार वहीं पे जा रही है, तो वो चीज़ ऐसे आई। और फिर अचानक फिर उसके बाद मुझे याद नहीं है कि क्या हुआ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा, हो सकता है मैंने भगवान का, हनुमान जी का नाम लिया या कुछ भी किया, और फिर वो चीज़ ना ऐसे चली गई। और जैसे ही वो चली गई, उसके बाद मेरी मम्मी उठती हैं, और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना, कि मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। और फिर मम्मी उठ गई, फिर पापा को बुलाया, फिर हम लोग पूरी रात नहीं सोए थे। इस इंसिडेंट के बाद मैं इतना ज़्यादा डर गई थी ना, कि मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं अकेले दिन में भी अकेले एक रूम में नहीं रहती थी, मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लगा था। अभी इस बात को 2 साल हो चुका है, इसलिए 2-3 साल हो चुका है, अभी मुझे याद नहीं है 2019 की बात है कि 20 की बात है। तो अभी थोड़ा डर मेरे मन से चला गया, और इतने टाइम बाद मैं पहली बार ये बात शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हॉरर स्टोरी आजकल लोग बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं सब लोग, तो मुझे लगा मैं भी शेयर करूँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने कुछ लोगों से पूछा जो जानते हैं इस बारे में, जिनको कि नॉलेज है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के बारे में, तो उनसे पूछा, तो उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी थी, जिसके वजह से मैं बहुत डर गई थी कि ये जो था वो इसको मारने के लिए आया था, और ये बहुत बड़ी, मतलब कोई भूतिया शक्ति है जो कि इस पर अटैक कर रही थी, लेकिन कोई दैवीय शक्ति या पूर्वज हैं जिन्होंने बचा लिया था मुझे। और हमारे गांव में तो ऐसी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हैं, गांव में तो ये सब चीज़ें बहुत होती रहती हैं, जैसे कि रात को घोड़े की आवाज़ आना, बट आप बाहर देखोगे तो कोई घोड़ा नहीं दिखेगा, उसके पैरों की टक 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 ऐसी आवाज़ आती है, और रोड पे चलते हुए, और बहुत, मतलब एक घटना तो ऐसी हुई थी मेरे साथ। क्या हुआ था कि एक मेरी फ्रेंड है, उसको ना उसके ऊपर भूत सवार था, और ये सच है, ठीक है। तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, मैं अपने मामा जी के घर गई थी, तो वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, तो मैं उसके घर चली गई डायरेक्ट। मैं कभी भी अपने मामा के घर नहीं जाती थी, पहले मैं उसके घर जाती थी, क्योंकि पहले उसका घर ही पड़ता था, तो मैं उसके घर गई, और हमारे मामा जी की फैमिली के लोग थे वो, तो मैं उसके घर गई, और वहाँ पे वो लेटी हुई थी, सो रही थी, मतलब लेटी हुई थी, तो मैं भी उसके पास जाके लेट गई थी। बट उसका जो बिहेवियर है मुझे बहुत वियर्ड लग रहा था, बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहा था, मुझे लग रहा था कि बहुत एटीट्यूड आ गया इसको, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही है। वो मुझसे ना ढंग से बात नहीं कर रही थी, बस मुझे घूरे जा रही थी। तो बट बात कर ही नहीं रही थी, बस घूरे जा रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक उन लोगों का रूम था जहाँ ना बहुत अंधेरा रहता है, वहाँ पे सूरज की रोशनी भी नहीं आती है, और लाइट भी होती है उस टाइम पे, तो बहुत अंधेरा रहता है उस रूम में। तो क्या हुआ कि मैं पूरी बात यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है जो कि मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये किसी की फैमिली की बातें हैं, तो वो मैं शेयर नहीं कर सकती। तो वो रूम का भी कुछ एक बहुत गंदा पास्ट था, बस आप इतना समझ लो, तो वो बहुत ही गंदा पास्ट था, तो वो मुझे उस रूम में भेजने लगी मोबाइल लाने के लिए, बोलती कि जा, मेरा नाम गुड़िया है घर का, तो मुझे बोलती है गुड़िया तो उस रूम में जा और मुझे मोबाइल, जबकि वो मुझे कभी भी ऐसे ऑर्डर नहीं देती थी कि तुम ये कर दो वो कर दो, है ना, तो मुझे कभी भी ऐसे नहीं करती थी। और वो भी तो मैं उसके दिन फर्स्ट डे गई थी इतने टाइम बाद, तो वो मुझे बोलती कि जाओ तुम वहाँ से लेकर आओ मोबाइल। तो पहले भी मुझे उस रूम से बहुत डर लगता था, क्योंकि उसका एक पास्ट था बहुत गंदा, तो मैं उस रूम में पहले भी नहीं जाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो
उस दिन मुझे बहुत डर लग रहा है यार इस वीडियो को बनाने के बाद ना, मैं तो बस हनुमान चालीसा का पाठ कर दूँगी। तो वो मुझे भेजने लगी उस रूम में, और मतलब मैं गई ही नहीं उस रूम में, गई और पता है उनके घर में ना कोई नहीं था, उनके घर में कोई भी नहीं था, तो सिर्फ वही लड़की थी और मैं थी। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक मेरी मौसी दौड़ के आई और वो मेरा हाथ पकड़ी और वो मुझे घूरने लगी, इतना तेज तेज वो मुझे घूरने लगी, और वहाँ से मुझे मेरी मौसी हाथ पकड़ के लेकर गई और फिर घर जा के बहुत डांटी बहुत ज़्यादा। और वो एकदम से उनको पता चला कि गुड़िया मम्मी घर गई होगी तो पूछी होंगी गुड़िया नहीं आई क्या, तो मम्मी बताई कि आई है बट ठीक है हाँ मेरी फ्रेंड के यहाँ चली गई हूँ मैं, ऐसा मम्मी ने उनको बताया। तो दौड़ के आ गई तो मेरा तो उस समय तो मैं पूरी रात ही जाग जाती थी, मैं नहीं सोती थी, मुझे नींद नहीं आती थी रात में। तो क्या हुआ था कि मैं टिकटॉक बना रही थी उस टाइम पे, और उसके बाद मैंने बना लिया था और मैं बस मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ऐसे ही विंडो के पास के लाइट चली गई थी, इसलिए बाहर खिड़की से विंडो थी वहाँ पे, वहाँ से हवा आती है तो वो विंडो ओपन थी, तो वहाँ पे तापस और राघव सो रहे थे उसी विंडो के पास, ठीक है। और मैं ऐसे विंडो से बाहर देख रही थी, बाहर एक बहुत अच्छा सा गार्डन था, वो सब कैंपस में ही था, उनका घर बाउंड्री के अंदर ही था पूरा। तो मैं विंडो से ऐसे बाहर देख रही थी, ऐसे मतलब बहुत कुछ सोच रही थी और ऐसे देख रही थी गार्डन को, फूलों को, ठीक है। और अचानक से एक पॉट रखा था, तो वहाँ से अचानक से उसी पॉट के पास से, जो कि मैं देख रही हूँ जो कि बहुत वो नहीं है, जस्ट मेरे सामने से थोड़ा सा ऐसे किनारे हैं मेरी, मतलब आँख है ऐसे विंडो के सामने से थोड़ा सा और साइड में था, तो वहाँ से अचानक से एक आदमी इतनी स्पीड में निकला और मैं ऐसे पीछे हो गई, जैसे कि ना मुझे पीछे से किसी ने खींच लिया हो, जैसे कोई शक्ति हो जो मुझे बचाना चाहती रही हो और वो मुझे पीछे खींच रही हो। तो मैं एकदम से पीछे हो गई और मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज चलने लगी थी, क्योंकि मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा कि अचानक, मतलब अभी तक तो कोई था नहीं वहाँ पे, कोई नहीं था, अचानक कोई कैसे आ गया, इसलिए या तो मैं खुद ही से पीछे हो गई एकदम से डर की वजह से। और मैं फिर तुरंत मैंने वापस उठाया, लाइट वाइट जलाई, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इन सब स्टोरीज को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी हिट कर देना, घंटे वाले निशान को, जिससे कि आगे जो भी वीडियोस मैं बनाऊँगी उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएंगे और आप देख पाओगे मेरा वीडियो आपको। और भी मेरे पास स्टोरीज़ हैं गाँव में क्या क्या होता है।
और इस वीडियो को भी मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।